दैनिक भास्कर कुमाऊं संस्करण कार्यालय हल्द्वानी से मैं आरके शर्मा ब्यूरो चीफ कुमाऊं। इस समय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल के क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी में उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आज हम यहां पर प्राधिकरण कार्यालय के नवनिर्मित परिसर में पहुंचे हैं, तो कुछ दिनों से यहां पर कार्य होना शुरू हो गया है, कार्य करना शुरू कर दिया अधिकारी कर्मचारियों और अभियंताओं ने। तो आप जैसा देख सकते हैं कि हमारे साथ इस समय हमारी एसोसिएशन के महामंत्री जी नरेंद्र वर्मा जी हैं। आप नरेंद्र वर्मा जी हैं, आप जेडी पाटिल जी, आनंद सिंह राणा, देखिए फेस करिए, आनंद सिंह राणा। तो अभी हम यहाँ पर नवनिर्मित परिसर में हैं, इसके बाद हमारे सारे एसोसिएशन के पदाधिकारी गण इस समय उत्तराखंड लाइसेंस इंजीनियर्स एंड प्लानर्स एसोसिएशन के, तो इनका हम बाद में व्यू लेंगे। सबसे पहले हम कार्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं किस प्रकार का कार्यालय तैयार हुआ है। ये प्राधिकरण का कार्यालय है। दैनिक भास्कर की टीम आज जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय के नवनिर्मित परिसर में आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब कर्मचारी अभी इस समय यहाँ पर अपनी अपनी ड्यूटी में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कविता शाह मैडम है, आइए कविता शाह मैडम, ये हमारे अभियंता यहाँ पर कविता शाह मैडम हमको मिली है, आइए प्लीज। कब शिफ्ट हुए मैडम आप यहाँ पर, आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, आइए आगे आ जाइए, आ जाइए आ जाइए। आपने ये बताना कि आप कब शिफ्ट हुए यहाँ। मंडे शिफ्ट हुए थे जी, जी जी, एक हफ्ता हुआ। कैसा लग रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर वाईफाई कनेक्टिविटी है और यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं जो? वेरी गुड, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ऑनलाइन जो मानचित्र स्वीकृति प्रणाली है उसके में जो आपके आवेदन आए हुए उसके निस्तारण में तेजी मिलेगी, गति मिलेगी। अब आम आवेदक को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे क्योंकि ऑनलाइन हो गया सारा सिस्टम, और आप जैसे युवा ऊर्जावान अभियंता जब है तो हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य होगा। तो इसके लिए नए ऑफिस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आइए अब आगे का और नजारा दिखाते हैं। देखिए ये यहाँ पर ये सेलुलर केबिन्स बने हुए हैं, ये सारे जेईस के लिए बने हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि सबके अपने अपने पोर्टल पे यहाँ पर सबके आएंगे एप्लीकेशन। तो देखिए ये एक सबसे पहला ये सेलुलर केबिन है, फिर दूसरा सेलुलर केबिन ये है, इसको दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए दूसरा सेलुलर केबिन, और तीसरा केबिन ये है, ये केबिन देखिए ये दिख रहा है आपको, और इसके बाद एक केबिन ये है, और मुझे लगता है ये शायद अभियंताओं का है क्योंकि जो यहाँ पर मुख्य अभियंता है, और ये यहाँ पर जो कार्यालय के जो अधिकारी अधीक्षक कर्मचारी गण, ये आपका शुभ नाम भाई साहब? अंकित बोरा जी है यहाँ पर, आप किस पद पर कार्यरत है? जूनियर इंजीनियर अंकित बोरा जी, आपकी नई नियुक्ति हुई है, कब आए आप यहाँ पर? 6 जनवरी को अंकित बोरा जी ने ज्वाइन किया। वर्मा जी आप जानते हैं आप इनको? आपका परिचय, आपका कौन सा क्षेत्र है अंकित बोरा जी? रामनगर। अच्छा ठीक है, रामनगर के कार्यालय से जुड़े हुए, क्योंकि यहाँ आपका शुभ नाम? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी जी हमारे अभियंता महोदय है, हल्द्वानी क्षेत्रीय प्राधिकरण कार्यालय से संबद्ध है और बहुत युवा ऊर्जावान है, बहुत तेजी से फाइलों का निस्तारण करते हैं, और ये जो ऑफिस की एम्बियंस है लगता है इनको बूस्ट करेगी। और एक हमारे एसोसिएशन के और पदाधिकारी आगे आइए, प्लीज इधर आइए, आइए अपना परिचय दीजिए। दैनिक भास्कर से आज मनोज कांडपा जी मुखातिब है, आप अंदर क्या कर रहे थे? अपनी पत्रकार है तो थोड़ा कड़वा बोलेंगे ही। आपका अंदर अनधिकृत प्रवेश यहाँ पर है, परिचित है, आपने इनको अलाउ किया था? अलाउ किया था, ठीक है, वो कोई अपनी फाइल की प्रोग्रेस देखने के लिए गए, ठीक है, मतलब परमिशन से गए थे। तो आप बताइए कि यहाँ पर ये सोमवार को कह रहे हैं हम शिफ्ट हुए, तो आज लगभग छठा दिन है, तो कैसे यहाँ पर फाइलों का निस्तारण कितनी तेजी से हो रहा है? आपकी कौन सी फाइल जो लास्ट सबमिटेड थी वो पास हुई है, सैंक्शन हुई है? लास्ट सबमिटेड डेट ऑफ सबमिशन जो था, जो आपका डेट ऑफ जो आपकी अप्रूव्ड फाइल है उसका डेट ऑफ सबमिशन कब है लास्ट? तो आज आपके पास एक 22 जनवरी 2021 का शासनादेश उत्तराखंड शासन के सचिव श्री शैलेश बगोली जी द्वारा प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर हम आज उम्मीद कर रहे थे कि संयुक्त सचिव महोदय से मुलाकात होगी और उनको इसका संज्ञान दिलवाया जाएगा कि 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है,
फाइलों के निस्तारण के लिए। तो आप इसको कैसे आशान्वित है कि जब 15 दिन में पहले काम हो रहा था तो फिर शासनादेश की क्या जरूरत पड़ी? तो सर पहले से सेवा का अधिकार तो लागू है ना जी, तो क्या है कि हो ही जाए जिसमें टेक्निकल इशू नहीं आता 15 दिन तो हो ही जाते हैं ठीक है। जिसमें टेक्निकल इशू आएगा वो 15 दिन का 1 साल भी लग सकता है टेक्निकल इशू पार्टी की ओर से आने में ठीक, बाकी 15 दिन में तो हो ही नहीं होगा। तो अब ये जो ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली है ये ऑफलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली से कितनी पारदर्शी, कितनी ज्यादा प्रभावी और कितनी ज्यादा निष्पक्ष है? सर वैसे तो 100% प्रभावी मानेंगे उसको आज की डेट में, क्योंकि जो काम पहले 6 महीने 1 साल में हो रहा था वो आज 10 दिन में हो जाता है। फाइल हमारी टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए, पूरी कंप्लीट होनी चाहिए तब तो हो ही जाएगी ठीक है, पारदर्शिता भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री नरेंद्र वर्मा जी हमारे जो महासचिव है इनसे इनके बाइट लूंगा, ये क्या कहते हैं इस कार्यालय के शुभारंभ में क्योंकि नए परिसर में स्थानांतरित हुआ है, बताइए। आपको कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, बिलासर के माध्यम से आप अपनी समस्या बदल सकते हैं। समस्या ऐसी नहीं है हमारी, सभी स्टेक होल्डर्स संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये स्टाफ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये सेटअप बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। तो आप लोगों ने अगर पॉजिटिव रिपोर्टिंग दी है तो इसका मतलब इनका भी मॉरल बूस्ट होगा और इनकी भी एक अच्छी छवि जनता के बीच में जाएगी, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब पोर्टल जो है 30,000 से ऊपर इसके सब्सक्राइबर है, इसको देखते हैं पूरे देश में। तो सिजवाली जी, जोशी जी और यहाँ पर और पदाधिकारी दिख रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई आपकी समस्या, कोई सुझाव, कोई शिकायत, कोई आपका यहाँ के लिए कोई इनपुट आपने देना है? बस सब कुछ ठीक चल रहा है, चलिए ठीक है। इसका मतलब बहुत अच्छे हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जीरो टॉलरेंस सरकार की जो मिनिमम जो गवर्नेंस वाली पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी है, इसका मतलब काफी मूर्त रूप में धरातल में उतरती हुई दिखाई दे रही है। और प्राधिकरण मुझे लग रहा है नया चेहरा लेकर के सामने आया है, सिर्फ नया ऑफिस ही नहीं, मुझे लगता है शायद अपने अपनी भावनाओं में भी और अपने कार्य प्रणाली में भी इतने ही अच्छे हैं जितना अच्छा ये ऑफिस बना हुआ। तो हम यहाँ से फिर एक बार गुड बाय करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू, हो गया। देखिए हम कल करेंगे इसका इसको जो हमारे सेटबैक्स पहले बहुत ज्यादा छोड़े जाते थे, आजकल एक मिनिमम स्टैंडर्ड तक छोड़े जा रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि रीडेवलपमेंट एंड रीडिजाइन। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन से एक बार स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, ये हमारे इंटरवेंशन एरियाज हैं जो आपको अभी इसमें दिखाए गए हैं। पहला अगर हम नीचे देखेंगे, नीचे से प्रथम वो हमारा रानीबाग का किराहा, अब हमारे एनएच आ रहे हैं गोला पार्क से। तो यहाँ पे हमारे जितना भी टूरिस्ट या लोकल ऊपर से आएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो सभी लोग प्रेफर करेंगे कि हम जाम से निजात पाने के लिए गोला पार्क से ही अपना आवागमन करें। तो ये हमारा एक चढ़ाव हो गया नारीमल किराह। थर्ड है हमारा काठगोदाम रेलवे स्टेशन। अभी प्रेजेंटली हालात आप उसके देख रहे हैं कि ये है, और जबकि जितने भी कुमाऊं में हमारे लोकल्स हों या दूसरी और इसका मटीरियल सोल्यूशन सब फाइनलाइज हो चुका है, इसकी डीपीआर 1 हफ्ते में बनेगी और डीपीआर फ्लोर कम्प्लीट टेंडर के। इसका मतलब डिजाइन से अप्रूव्ड है, मटेरियल का सिलेक्शन भी अप्रूव्ड है, क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा इसका सजेशन ये था क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारे पास जो लोकल अवेलेबल मटेरियल है जो वेस्ट, जिसको हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कहते हैं, शायद मैं इसमें देख रहा हूँ कि सब कुछ फॉरन मटीरियल है, यानी कि बाहर से कोई सिंथेसाइज मटीरियल आएगा वो लगेगा, जैसे आपने बताया कि रीबाउंडेबल है, फाइबर है, प्लास्टिक है। तो मुझे लग रहा है शायद हम ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारे पास जैसे मैंने भी कुछ प्रयोग किया है गोग्रीन के साथ मिल करके, बॉटल्स के साथ, टायर्स के साथ, तो अगर हम अब मुझे मालूम नहीं कि किस स्टेज पर आप पहुंच चुके हैं और कहां पर है, वहां से वापसी संभव है नहीं है, और जिला एक पर्यावरण समिति या पता नहीं वो फंक्शन है नहीं है, शायद उससे आपने कंसल्टेशन लिया होगा या नहीं लिया होगा, लेकिन मेरा एक हम्बल सबमिशन ये है कि अगर इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सहारे, लोकली अवेलेबल मटेरियल के सहारे, जैसे मेरे को इसमें आपने राजस्थान का आर्किटेक्चर दिखाया, तो जगेश्वर आर्किटेक्चर हमारा मिल सके जो कन्नूर का है, वो हमारी बहुत बड़ी पहचान है। उस आर्किटेक्चर में आप देखिए कहीं पर भी स्लैब नहीं है, बीम नहीं है, कहीं पर भी कोई कॉलम नहीं है। तो एक मेरा छोटा सा इनपुट ये है कि इसकी अगर एक सॉफ्ट कॉपी अगर हमको मिल सके, मिलेगी आपको शेयर होगी, और इसमें कुछ हमारे वीडियोस भी थे, वॉक टू प्रेजेंटेशन थी, वो अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं चल रहा है, लेकिन जब आपको देंगे तो उसमें वो इनेबल्ड होगा। ये सारी कॉपीज आप
लेकिन थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा रिकंसीडर करें, क्योंकि हम बहुत सारे मटीरियल को इन्वाइट करने जा रहे हैं जो आपने ग्रिल्स और जो उसकी कंसिंग दिखाई है, तो हम हमेशा से इच्छुक है कि जो हमारा कंट्री स्टाइल है, कॉमी स्टाइल है, उसमें यूज करें। प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तो वहाँ उस तरह के कारीगर हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, जिससे सर्वे हुआ हमारे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के द्वारा, और जो मटेरियल आपको दिखाए गए हैं इसमें वो अच्छी पत्थर है, टाइल्स नहीं है, कोई सिंथेटिक टाइल या हमारे सेरामिक्स नहीं, या तो स्टील है या फिर पत्थर है। जैसे भी चढ़ाए आपको दिखाए गए हैं, जब आप देखेंगे अपने पास इसको प्रेजेंटेशन को लेके, और जब डीपीएस भी बनेंगे, डीपीएस भी हमें कोई इशू नहीं आपसे शेयर करने के लिए, डीपीएस भी आप अध्ययन करिएगा, उसमें मटेरियल हमारा ऐसा ही रखा जाएगा कि सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि जो ड्यूरेबल हो और रबस्ट हो। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है हमारा कि हम कोई आयात करें या कोई हमारा फॉरेन मटेरियल हो, हमेशा हमारी ये कोशिश रहेगी कि पहले पत्थर ही लगाएं। जो सिंथेटिक मटेरियल की मैं बात कर रहा था वो सिर्फ हमारा आउटर पेरीमीटर है जहाँ से वहाँ टकरा सकता है। वहाँ पर हमारे पास एक मैंने एक विमल पांडे जी एआरटीओ आपके साथ किया था एक बार, उन्होंने भी काफी अभिनव प्रयास किया था फिर आप इसको मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा मेरा वैक्सीनेशन के ऊपर एक वाइटल क्वेश्चन है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं आजकल, क्योंकि बहुत एनएचएम ने एक जो डायरेक्टर दिए हैं जिसमें कोविन ऐप में अपना अलर्ट बेनिफिशियरी रहता है, तो आप देखते हैं कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो टाइम से नहीं पहुँच पाते, तो उसकी वजह से जो सच में लाभार्थी होता है वो बच। हमारा ये प्रयोग अभी हमारे जो आखिरी दिन था लास्ट डे था हमारे वैक्सीनेशन का, यानी कि कल, उसमें कल से शुरू हुआ है ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, सिर्फ इसी बात के लिए कि दो बजे तक लोग नहीं आ पाए तो उसके बाद हमारा वैक्सीनेशन खाली ना जाए, यूटिलाइजेशन फैक्टर उसका अच्छा हो, इस वजह से हमने वैक्सीनेशन चेंज कर दी। आरोग्य सेतु ऐप में क्या इसकी कोई विंडो है या ये अलग है कोविन ऐप जो ये तो जो हमारा कोविन पोर्टल है ये तो सिक्योर पोर्टल का उसको आप आरोग्य सेतु की अपडेट कर रहे हैं क्या बात है। थैंक यू सर। एक बात बनी थी जब मैं आपसे मिलने के दैनिक भास्कर कुमाऊं आरके शर्मा आपसे मुखातिब हैं। सर्वप्रथम जो आज आपने प्रेस वार्ता की इसका एजेंडा अगर हमें पहले शेयर हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, हम अपनी प्रिपरेशन के साथ आते, तो पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि ज़रा इसका ध्यान रखिए कि एजेंडा शेयर हो जाएगा तो तैयारी से। दूसरा जो आज आपने जो विजुअल एनहांसमेंट पर हल्द्वानी दिया वो एक्सेलेंट, एक बड़े इनोवेटिव अप्रोच है जिसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि धरातल में ये योजना उतरेगी। तो और इसके अलावा मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा कि जितना भी ये जो आपने चौराहे चिन्हित किए हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, क्या जो हमारे पहले से जो चौराहे हैं जिनकी जैसे आपने कुमाऊं फोक आर्ट का फीमेल हॉस्पिटल के आगे लगाया था, तो एक तो मैं देखता हूँ कि वो नाइट टाइम में वो विजिबल नहीं होते हैं, नाइट टाइम उनमें फ्लैश लाइट्स वगैरह नहीं लगी, तो क्या इनमें लाइट्स वगैरह भी लगेगी, कुछ फाउंटेन लगेगी, कैसा रहेगा थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है? ये हमारे रात में भी विजिबल रहेंगे, इनकी थीम्स विजिबल रहेंगी, और जो सेकंड उद्देश्य है ट्रैफिक मैनेजमेंट उसमें आउटर पेरीमीटर भी इसका विजिबल रहेगा, तभी इसका उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। और हमारी अभी ये कोशिश है कि जितनी भी जगह हमने कॉमनली सोसाइटी को प्रोजेक्ट किया बाय वे ऑफ म्यूरल्स और पेंटिंग्स उनको भी लाइटिंग ग्रेजुअली प्रदान की जाए। जी एक मेरा प्रश्न आपसे जो लोकल बिल्डिंग या लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं थीम देकर के आपसे एक निवेदन कर रहा था, तो क्या इस दिशा में भी आप सोचेंगे कि जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है या जो हमारा पेरिशेबल बिल्डिंग मटेरियल होता है या जो हमारा लोकली अवेलेबल जैसे हमारे यहाँ पार्ट होते हैं, इसके पैटर्न होते हैं पहाड़ के, उनका भी प्रयोग होगा या इसमें बाहर की जो संश्लेषित पदार्थ है उनका इस्तेमाल होगा? जितने भी हमारे डिज़ाइंस हैं ये हाइब्रिड मोड में ही प्लान किए गए हैं, मीन्स यहाँ का हमारी कोशिश है कि सेरेमिक्स और जो कॉस्ट इंटेंसिव मटेरियल है उसको हम न्यून रखें और जो यहाँ का पत्थर है पत्थर को ही हम मूल रूप में इम्प्लांट करेंगे। कुछ हाइब्रिड जो हमारे बाहर का मटेरियल है मीन्स जो हमारा लोकल पहाड़ में नहीं मिलता उसको ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये हमारा प्लेन्स है, ये हमारा तराई रीजन है,
सो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी सेफ्टी ऑफ द डिज़ाइन एज वेल एज द व्हीकल्स, जो व्हीकल्स वहाँ से गुजरेंगे उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस वजह से कुछ परसेंट हमारे मटेरियल्स नॉन पहाड़ी हों। ये कब तक परियोजना पूर्ण होने की? ये हमारा उद्देश्य है कि टूरिस्ट सीजन से पहले, आगामी टूरिस्ट सीजन से पहले इसमें हम प्रगति। बहुत बहुत नमस्कार।